जब घर में अंधकार छा जाता है तो प्रकाश लाने के लिए आप क्या करते हैं? दीपक ढूंढते हैं और उसकी लौ को प्रज्वलित करते हैं और फिर अंधकार अपने आप दूर हो जाता है। अब आप कहेंगे कि इसमें कौन सी नई बात है, यदि अंधकार को दूर करना है तो दीपक की लौ को प्रज्वलित तो करना ही पड़ता है। यही बात तो समझने की है, यदि अंधकार से लड़ना है तो अंधकार का सहारा नहीं लिया जा सकता, उसके लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। घृणा का अंत करना है तो उसे घृणा से अंत नहीं किया जा सकता, उसे प्रेम की आवश्यकता होती है। शत्रुता का अंत शत्रुता से नहीं किया जा सकता, उसे क्षमा की आवश्यकता होती है। यदि आपको नकारात्मक ऊर्जाओं से लड़ना है तो स्वयं को सकारात्मक बनाना होगा और तभी आपके जीवन में वास्तविक आनंद आ सकेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है मित्र, विजय गौरव सेना की ही होगी। मित्र, जब हम पहली बार मिले तब से तुमने मेरा शुभ चाहा है। आज एक सूत पुत्र गौरव सेना का सेनापति है तो वो केवल तुम्हारे कारण। नहीं मित्र, मैंने जो स्वप्न देखा उसकी वास्तविकता और उसका गुण तुम में प्रारंभ से था। मैं तो केवल इस स्वप्न के पूर्ण होने का साक्षी हूं बस। विजय हमारी होगी मित्र, विजय हमारी होगी। हाँ मित्र, अवश्य हमारी ही होगी। ये प्रण है सेनापति का, या तो वो अपनी सेना को विजय दिलाएगा या विजय की प्राप्ति के लिए लड़ते लड़ते अपने प्राण त्याग देगा। या तो हम विजय होंगे और या वीर गति को प्राप्त होंगे। आगे बढ़ो मित्र, ये सेना अपने सेनापति के मार्गदर्शन के लिए तत्पर है। सेनापति मार्गदर्शन करता है परंतु विजय श्री वीर सैनिकों के कारण संभव होता है, आप सबके कारण संभव होता है। स्मरण रखना अपने उन वीर भाइयों को जो वीर गति को प्राप्त हुए, उनके बलिदान को स्मरण रखना और यह भी स्मरण रखना कि आप में से हर एक अपने साथी की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी है और मन में यह विश्वास रखना कि यह युद्ध हमारा है और हम इस पर विजय पाकर रहेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।
दुर्योधन, गुरु द्रोण के वध के पश्चात कौरव सेना का मनोबल क्षीण है और इसका लाभ उठाकर भीम अवश्य अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने का प्रयास करेगा। आज भीम की चिंता मुझे नहीं है। उचित कहा मित्र, उचित कहा। भीम को रोकना मेरा उत्तरदायित्व होगा और तुम्हारा लक्ष्य होगा अर्जुन। कर्ण मैं नहीं जानता कि आज तुम कौन सी शक्ति, कौन से शस्त्र का उपयोग करोगे, परंतु मुझे इतना पूर्ण विश्वास है कि तुम अपनी प्रतिज्ञा अवश्य पूर्ण करोगे। कर्ण के अंत के साथ ही इस युद्ध का भी अंत हो जाएगा माधव, और उसके पश्चात अपनी प्रतिज्ञाओं को पूर्ण करने की औपचारिकता शेष है। प्रतिज्ञा पूर्ण होगी मित्र। अभी भी मेरे पास एक अस्त्र शेष है जो अर्जुन का वध कर सकता है। किंतु कर्ण का अंत करना, उसका वध करना इतना सरल नहीं होगा पार्थ। कवच और शक्तियों के बिना भी वो योद्धा विकट है। आओ पार्थ, प्रस्थान करने का समय आ गया है। युद्ध का 16वां दिन। कौरव सेना की दशा देख मैं अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा हूं। इन्होंने एक सूत पुत्र को सेनापति बना दिया। दुर्योधन, तुम्हारे इस निर्णय से मुझे तुम्हारी पराजय दिख रही है। तुम्हारी हंसी के पीछे मुझे तुम्हारा भय दिख रहा है विकोदर, और भय मनुष्य को दुर्बल बना देता है। आशा है कि तुम इस युद्ध में जीवित रहोगे। ये तो समय ही बताएगा कि कौन भयभीत रहेगा और कौन जीवित। मैं जानता हूं कि तुम मुझे अर्जुन से दूर रखने का प्रयास करोगे युधिष्ठिर, परंतु तुम्हारा यह प्रयास सफल नहीं हो पाएगा।
इस युधिष्ठिर को मैं संभालता हूं, तुम जाकर अर्जुन का वध करके आओ। चलो सत्यसेन। क्या हुआ दुर्योधन? तुम्हारा नया सेनापति युद्ध के प्रारंभ होते ही थक गया। आई युधिष्ठिर, आई, उसे मैंने भेज दिया ताकि तुम्हें आज एक बार फिर युद्ध सभा की हार का स्मरण करा सकूं। अंगराज, मुझे अर्जुन कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। अर्जुन की प्रत्यंचा की तनकार मैं सुन सकता हूं सत्यसेन। पूर्व की ओर चलो। कपट और अनीति के इस पुतले वासुदेव के कारण ही अब तक तुम युद्ध में टिके हो अर्जुन, परंतु आज मैं इस छल और कपट का अंत करके ही रहूंगा। सावधान। आचार्य द्रोण के साथ जो हुआ उसके कारण अश्वत्थामा अत्यंत क्रोध में है, और एक पुत्र के लिए ऐसा क्रोध स्वाभाविक है। आशा करता हूं पार्थ कि तुम अपने गुरुपुत्र की इस दृष्टता को अनदेखा कर दोगे। के जैसे कुशल राजा के होते हुए उस सूत पुत्र कर्ण को कौरवों का सेनापति बना दिया गया और आप देखते ही रह गए। क्या अब यही शेष रह गया है एक मद्राज के जीवन में कि वो एक सूत पुत्र के निर्देश का पालन करे? अठास करना है ना दुशासन, ये विगोदर भीम तुम्हें अवसर देगा। अठास होगा युद्ध भूमि में, परंतु मृत्यु का जो मृत्यु तुम्हारे और तुम्हारे भाइयों के शव पर खड़ी होगा अठास करेगी।
90, अब तक 90 कौरों का रक्त मैं अपनी गदा को पिला चुका हूं। आज 6 कौरों की बारी है। मैंने प्रतिज्ञा ली है, तुम सब कौरव भाइयों का वध मैं स्वयं करूंगा, परंतु मरने से पहले मैं तुम्हें तड़पता देखना चाहता हूं, ठीक वैसे जैसे अभिमन्यु तड़पा था, ठीक वैसे जैसे पांचाली तड़पी थी तुम्हारे हाथों से बचने के लिए। ये क्या हुआ संजय? ये किसकी चीख? ये कौन है जो पीड़ा से तड़प रहा है? भीम और दुशासन के मध्य महायुद्ध हो रहा है महाराज। यही भय मैं देखना चाहता हूं तुम सभी के मुख पर। मृत्यु को समीप आते देख तुम लोग कितना भयभीत हो जाओगे, मुझे तुम्हारा वध करने में उतना ही आनंद आएगा। बस माता, बहुत हो गया, अश्वत्थामा का समय निकट आ गया है। तो ध्वंस पूर्ण होने का आ गया है अर्जुन। जब दो योद्धा युद्ध कर रहे हो तो पीछे से आक्रमण करना ना केवल कायरता है अपितु नियम का उल्लंघन भी है अंगराज। अश्वत्थामा, तुम जाके दुर्योधन की सहायता करो। अब ये द्वंद्व मैं पूर्ण करूंगा। Oh,
जब अपने पक्ष का योद्धा दुर्बल हो रहा हो तो उसकी सहायता करना ना ही कायरता है और ना ही नियमों का उल्लंघन। यदि कायर होता अर्जुन तो मेरा वार तुम्हारे बाण को नहीं तुम्हारी छाती को चीर देता। आओ अर्जुन, वर्षों के इस द्वंद्व को पूर्ण कर लिया जाए। आओ पार्थ, अंगराज की ये इच्छा पूर्ण करो। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.